तो सभी किसान भाइयों को मेरा एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार, और आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत कुशल मंगल से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं एक और नई फसल के बारे में यहाँ आपको बताने के लिए आया हूँ। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसमें आप कोशिश करें, अगर आपको वैसे हो सकता है किसानी के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें पहले से मालूम होंगी, लेकिन अगर यहाँ पे आप कुछ भी सीखना चाहते हैं और सीखने की इच्छा रखते हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, तो आप इस वीडियो की जानकारी अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि जो जानकारी आपको इसमें अतिरिक्त मिली है वो आपके मित्रों और साथियों को भी पता लगे, जिससे वो भी अच्छे फसल लेने के लिए इस तरह के प्रयास कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिस फसल के बारे में बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत ही यूनिक है और बहुत कॉमन नहीं है, बहुत कॉमन फसल में नहीं आती, क्योंकि हर कोई उसको नहीं करता है। लेकिन अगर आप इस फसल को करना चाहें तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मैं यहाँ पे दूंगा, और आपको इससे काफी अच्छी उत्पादन, काफी अच्छी उपज और काफी अच्छी इनकम आप कर सकते हैं। लेकिन आप सब लोगों से मेरी विनती यही है कि आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, इसको स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से हो सकता है आपकी कोई जानकारी इसमें छूट जाए। तो आप पूरा तरीके से इसको देख के, एक एक स्टेप्स को समझ के और कुछ भी चीज़ इम्प्लीमेंट करने के पहले अपनी जानकारी को अच्छे से वेरीफाई जरूर करें, और जिस किसी की कंसल्टेंसी में अगर आप ये फार्मिंग कर रहे हैं तो उससे भी आप सलाह मशवरा करके फिर आप इस तरह की चीज़ों को उसमें अच्छे से अप्लाई करें और पूरी तरह से लाभ उठाएं। हालांकि जो मेथड मैं यहाँ पे बताऊंगा, जो मेडिसिन या जो फर्टिलाइजर मैं यहाँ पे बताऊंगा, जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मैं सजेस्ट करूंगा किसी बीमारी की रोकथाम के लिए, वो ट्रायल एंड टेस्टेड है, तो उनमें किसी भी तरह का कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर आपने बीमारी की किसी की पहचान ठीक से नहीं की है तो एक संभावना बनती है कि आप उस बीमारी को ठीक से नहीं पहचान पाए हैं, और फिर आपने अगर इस तरह की कोई दवाई डाली है तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो आज मैं आपको जिस खेती के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है पपाया, पपीते की खेती। तो इसको आप देखें और मैं अपना वीडियो अभी शुरुआत करने जा रहा हूँ, तो आप सब लोग आप जुड़े रहिए मेरे साथ और पूरा वीडियो देख के, और इसके बारे में जो मुख्य बातें हैं वो अपने डायरी में, अपनी नोटबुक्स में जरूर नोट करें, ताकि आपको बाद में भी ये चीजें याद रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम थोड़ा इस फ्रूट के बारे में जान लेते हैं, पपाया का जो फ्रूट है इसके बारे में जान लेते हैं। ये फ्रूट जो है बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करें कि ये इसमें कैलोरी की अगर हम बात करें तो करीब 120 किलो कैलोरी जो है इसमें एक फ्रूट में पाई जाती है। और एक फ्रूट आपका मान लीजिए 1.5 किलो से 2.5 किलो के बीच का फ्रूट है आपका, तो उसमें 120 कैलोरीज, और इसमें इसमें करीब आपको 30 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट, 2 ग्राम तक इसमें आपको प्रोटीन भी इसमें मिल जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो है कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें आपको लाइकोपेन, ल्यूटीन, विटामिन इन, कैल्शियम, इस तरह के जो मुख्य एलिमेंट्स हैं उनकी वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी है इस फ्रूट में, और इसके कुछ इम्पैक्ट मैं बता देता हूँ कि जो इस तरह का फ्रूट अगर खाता है कोई, तो उसमें एक तो अस्थमा का रिस्क काफ़ी कम होता है, और इसमें डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा बताया गया है, डाइजेशन इस फ्रूट को खाने से बहुत अच्छा रहता है। तो अस्थमा का रिस्क कम है, डाइजेशन बहुत अच्छा है, बोन्स बहुत अच्छी इसमें हेल्दी रहती हैं। अगर आप पपाया ले रहे हैं तो जो इंसुलिन का लेवल है और उसके जो जो फ्लक्चुएशन होता है, अगर आप पपाया खाएं तो वो काफ़ी हद तक इसमें कंट्रोल करता है जो उसके फ्लक्चुएशन को, इंसुलिन के। तो ये 2-3 बेनिफिट हैं। इसके अलावा ये
कैंसर की जो रिस्क है उसको भी जो कम करता है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट एक प्रेजेंट होता है कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन की वजह से ये कैंसर के रिस्क को भी कम करता है अगर आप इस तरह का फ्रूट खाते हैं। यह हार्ट डिजीज़ का जो है उसके रिस्क को कम करता है कि आपका हार्ट में इसके कोई बीमारी हो उसके भी चांसेस या रिस्क को ये कम करता है। कोई कोई इन्फ्लेशन है, कोई क्रॉनिक आपको जैसे जलन है या इस तरह की प्रॉब्लम है तो जो कोलिन की वजह से है तो वो भी उसको भी कम करता है। और इसमें चूँकि विटामिन्स हैं तो आपके हेयर ग्रोथ जो है वो भी बहुत अच्छे से बहुत अच्छा हेयर ग्रोथ के लिए माना गया है। तो ये कुछ मैंने फ्रूट्स के बारे में बताया आपको कि इससे क्या क्या इम्पैक्ट आपका आपके शरीर पे इसका पड़ता है। तो पपीते की खेती को आप पेरिनियल बोल सकते हैं क्योंकि एक बार जब आप इसका प्लांट्स लगाते हैं तो ये करीब करीब आपको 3 या 4 साल तक आपको फ्रूट देता है। तो आपको हर साल प्लांट्स लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती और आपका जो प्लांट्स लगाने की कॉस्ट है और जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको एक बार करना है, लेकिन आपको फ्रूट ये लगातार कम से कम 3 साल तो आप मान के चलिए 3 साल तक आपको फ्रूट मिलेगा। और इसमें आपको बस केयर करते रहना है, अपने फर्टिलाइज़र के जो डोसेज आगे रिकमेंड किए जाएंगे आप केवल उन पर विशेष ध्यान दीजिए, उनको आप टाइम टू टाइम इसमें डालते रहिए और इसका आपको भरपूर इसका लाभ मिलेगा। तो ये बाकी फसलों की अपेक्षा इसमें ये सबसे अच्छी खेती का इसमें ये रिजल्ट्स मिलता है। वैसे तो कई और भी इस तरह के जो ऑर्चिड्स हैं जैसे सिट्रस के हैं उनका भी यही रहता है, एप्पल का है, तो इस तरह के पेरिनियल उसी में आता है, लेकिन ये इसका स्टेम या प्लांट्स इतना मजबूत नहीं होता, उसके बावजूद भी इसका जो फंक्शन है वो बहुत ही अप्रिशिएटिंग है और 3 या 4 साल तक ये आपको ज़रूर बेनिफिट देता रहेगा। तो आप इसमें आगे अभी और हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें लैंड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कैसी हमें खेती होनी चाहिए, तो देखते हैं इसको। तो दोस्तों पपीते की खेती को समझने के लिए जैसे मैंने आपको फ्रूट के बारे में बताया कि कितना न्यूट्रिशियस फ्रूट है ये और कितनी बीमारियों में इसका उपयोग होता है, तो इसकी खेती को आरंभ करने से पहले हम ये समझेंगे कि किस तरह की सॉइल में ये खेती की जाती है, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए। तो पपीते की खेती के लिए पपीता की खेती किसी भी तरह की मिट्टी में, कई तरह की मिट्टी में कर सकते हैं और कई तरह की मिट्टी में हो भी जाती है, परंतु इसके लिए अगर मैं बात करूं एक सही मिट्टी की कि कौन सी मिट्टी है जिसमें ये ऑप्टिमम या जो कहना चाहिए इसके लिए कि एक अच्छी उपज या एक सामान्य उपज की जो उम्मीद होती है वो किस तरह की मिट्टी में होती है, तो इसके लिए हमें हल्की दोमट या दोमट उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है जिसका जल निकास बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसमें जल भराव ना हो, नहीं तो पौधों के लिए जहाँ वाटर लॉगिंग होती है प्रॉब्लम होती है, तो जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, दोमट मिट्टी इसके लिए चाहिए। इसके लिए काली एवं जलोढ़ मिट्टी भी जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आप अगर आपके खेत की मिट्टी दोमट है, हल्की दोमट है या काली है, जलोढ़ है, तो आप उस तरह की मिट्टी में भी इसको कर सकते हैं। मिट्टी में जो है अधिक गहरी मिट्टी में पपीते की खेती नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप खेत की तैयारी देख लेते हैं इसमें कि खेत की तैयारी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने केले की खेती में भी आपको सजेस्ट किया था कि खेत की 3 या 4 बार आप जुताई करें, जुताई करके खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना दें, ठीक है। जुताई करने से क्योंकि जब प्लोइंग होती है और मिट्टी बाहर ऊपर की तरफ, जब अंदर की मिट्टी सफल बोलते हैं कि ऊपर नीचे जब मिट्टी हो जाती है तो एक तरह से भुरभुरी मिट्टी हो जाएगी उस समय, और खेत को जो है पूरी तरह से समतल करके और इसकी जैसे कि जैसे मैंने बोला कि इसमें पानी का भराव नहीं होना चाहिए, तो इसको जो है एक तरफ की तरह समतल सा बना देते हैं ताकि अगर जो है इसमें किसी भी तरह का पानी का कुछ प्रॉब्लम हो तो वो एक साइड की तरफ चला जाए और इसमें पानी इकट्ठा ना हो। तो इसमें अब प्लोइंग करके आपने इसमें जुताई करने के बाद भुरभुरा इसको बना दिया मिट्टी को, इसके बाद इसमें 5 से 7
टन सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें डालेंगे, अच्छे से बिखेर देंगे और इसमें फिर अच्छे से इसकी जुताई करके इसमें मिला देंगे इसमें। तो ये तो मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइज़र आप कैसे डाल, खेत की तैयारी कैसे होती है। अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि इसमें वृक्षारोपण के लिए या आपको पौधे लगाने का सही समय कब है। तो वैसे तो पपीते की खेती या पपीते की पौधे कैसे लगाई जाए ये किसी भी स्थान के भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करता है, मिट्टी की गुणवत्ता पर डिपेंड करता है कि वहाँ वो कब लगाई जाए। लेकिन सामान्यतः इसमें तीन मौसम है या तीन ऋतुएँ बोल सकते हैं जिसमें ये पपीते की पौध लगाई जाती है। सबसे पहले है बसंत ऋतु, इसमें 15 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक का समय होता है, इसमें आप पौधे लगा सकते हैं और उपज ले सकते हैं। दूसरा मौसम है जो वर्षा ऋतु में है, ये आप जून और जुलाई ये दो महीने इसमें रिकमेंड किए गए हैं कि आप इन दो महीने में भी इसकी फसल को लगा सकते हैं। तीसरा है ये इसको बोलते हैं शरद ऋतु, और ये सेप्टेम्बर से और अक्टूबर ये दो महीने इसमें लिए गए। तो आप इन तीनों ऋतुओं में से जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों आप पपाया की खेती, पपीते के पौधे अपने खेत में लगा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पपीते का जो प्रत्यारोपण है, पौधे की दूरी है वो कितना रखते हैं, कैसे लगाते हैं पौधा। तो इसको इसका जो डिस्टेंस है पौधे का, कम से कम इसका डिस्टेंस होना चाहिए 6 से 6 फीट, लेकिन कुछ लोग इसको 7 से 7 फीट पर लगा सकते हैं। प्लांट टू प्लांट की जो दूरी है वो 7 से 7 फुट हो सकती है, 8x6 हो सकती है, 7.5x7.5 हो सकती है, कुछ भी आप इस तरह की दूरी लें, इससे पास में ना लगाएं, बस इतनी दूरी का ध्यान रखें। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि कौन से मौसम में लगता है और इसको डिस्टेंस क्या है, लेकिन इससे पौधे लगाने के पूर्व हम खेत की तैयारी और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या तैयारी होती है। जैसे आपने नॉर्मल जो मैंने बताया कि आप जुताई करके 5 से 7 टन इसमें गोबर की खाद डाल के और मिला दीजिए इसमें, लेकिन जो पौधे हैं ये गड्ढों में लगाया जाए, इसके लिए प्रॉपर गड्ढे बनाए जाते हैं। गड्ढे इन द सेंस कि गड्ढा खाली नहीं हो, गड्ढे का मतलब है कि जहाँ पे पौधा लगना है उसके बेस, उसके नीचे का पार्ट जो मिट्टी का है वो अच्छे से हम उसको तैयार करते हैं कुछ फर्टिलाइजर डाल के, ताकि पौधा जब लगे उसके बाद उसको सफिशियंट मात्रा में उस तरह का एटमोसफियर मिले, न्यूट्रिएंट मिले कि पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो कम से कम 30 दिन पहले, अगर आपने मान लीजिए 1 जुलाई को पौधा लगाना है या जुलाई के फर्स्ट वीक में लगाना है, तो आपको जून के फर्स्ट वीक में ये इस तरह के गड्ढे तैयार कर देने चाहिए। इसको गड्ढे कितने, गड्ढों का साइज जो हम लेते हैं वो 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का होता है, 1.5 फीट इसका डाया होगा और 1.5 फीट ही इसकी, 1.5 फीट इसकी गहराई होगी। तो इसमें से आप इसकी मिट्टी निकालिए और आधी इसकी मिट्टी में आप 5 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद डालो, उसके बाद 100 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट डालो, 100 ग्राम इसमें म्यूरेट ऑफ पोटास डालिए, 200 ग्राम नीम की खली डालिए, 5 ग्राम फोरेट जो टेंजी, फोरेट टेंजी करके आता है, तो 5 ग्राम आप उसको डालिए। इसको आप जो मैंने आधी मिट्टी आपको बोली थी उसमें अच्छे से इसको मिक्स करिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको वापस उसी गड्ढे में भर दीजिए और उसमें सिंचाई कर दीजिए, पानी डाल दीजिए। आप अपने खेत के सभी गड्ढों को इस तरह तैयार करिए, अच्छे से मिट्टी में मिक्स करने के बाद सबको वापस डाल दीजिए मिट्टी को और पानी लगा दीजिए। ये लगाने के बाद इसमें जो है अच्छे से 1 महीने के समय में कोई भी तरह का इसमें इंसेक्ट होगा वो भी किल हो जाएगा और जो फर्टिलाइज़र है वो भी अपने प्रॉपर सेट में आ जाएंगे, जिससे प्लांट को फूड मिलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और उसको अच्छा एक न्यूट्रिएंट वहाँ से मिलने लगता है, जिससे पौधे की ग्रोथ शुरुआत से ही बहुत अच्छी होती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़े यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ कि आप इसमें कभी भी मिश्रित फसल यानी कि इंटरक्रॉप करते हैं कि वो ना करें इसमें, क्योंकि उनको करने का नुकसान ये है। जैसे कई लोग इसमें, उनको लगता है कि भाई 8-9 महीने की फसल है, मतलब 9 महीने से पहले तो इसमें फ्लावर नहीं होता, 9 महीने में मतलब जब तक टाइम है यानी कि 2-3 महीने जब हमने लगाया पौधा, 2-3 महीने तक अगर हम इसमें कोई फसल लें, कोई सब्जियां करें या कोई फ्लावर करें इसमें, तो इन सब चीज़ों से आप बचें, क्योंकि पपीते के
जो पौधे हैं उनके बीच में अगर आपने मिर्ची बैंगन इस तरह की कोई भी चीज़, कोई भी आपने इस तरह का खेती करने की कोशिश की या आपने की, तो उसमें पूरी संभावना है कि वो जो पौधे हैं वो कीटों को अट्रैक्ट करते हैं, जो रस चूसक कीटे होते हैं वो कीट उसमें आते हैं और वो पॉलिनेशन जो है वो बहुत क्रॉस पॉलिनेशन और कई तरह का डिजीज़ जो उनके शेप के माध्यम से जो रस उन्होंने लिया है कई और फसलों से लिया होगा और उनमें वायरस और फंगस और बैक्टीरियल इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन पौधे में होने की बहुत संभावना बढ़ जाती है। तो आप एक फसल को एक तरीके से ही करने की कोशिश करें, उसको मिश्रित ना करें, ये मेरा सुझाव है। बाकी मर्जी आपकी है कि अगर आप इस तरह का पहले कर चुके हैं और केयर करके आपने इस तरह की दो फसलें ली हुई हैं उसमें, या आप इंटरक्रॉपिंग कर पाए हैं, सफल हो पाई है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव जो नए किसान भाई हैं उनके लिए है कि वो इस तरह की चीज़ें ना करें, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होने की संभावना तो बनी जाती है। अब मैं खाद के बारे में और उर्वरक के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दूंगा कि इसमें वो कितना पौधा जो है कितना खाद कब डालना चाहिए। तो उसकी मात्रा मैं आपको बता देता हूँ कि एक पौधे को अगर मैं उसके वर्ष भर की बात करूँ कि एक पौधे को वर्ष भर में 250 ग्राम तो उसको नाइट्रोजन चाहिए, 250 ग्राम सुपर फॉस्फेट चाहिए तथा 500 ग्राम उसको म्यूरेट ऑफ पोटास चाहिए। ये एक पौधे की आवश्यकता है। अच्छा, इसके बाद जो है इन जो मात्रा मैंने बताई, आप इस मात्रा को 6 भागों में बांट लीजिए, क्योंकि आपको इतना ही इसमें एक पौधे में आपको इतनी ही मात्रा देनी है, लेकिन आपको ये कब कब देनी है। अब आपको मैं इंटरवल भी एक बार उसका बता देता हूँ। आप इसको 6 भाग में बांट लीजिए और सबसे पहले पौधा आपने जब भी पौधा लगाया, मान लो अगर आपने जून के फर्स्ट वीक में आपने खेत तैयार किया और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपने पौधा लगा दिया, तो आप अगस्त के फर्स्ट वीक में आप इसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास और यूरिया, जो मैंने आपको नाइट्रोजन जो यूरिया बताया, आप इन तीनों की सिंगल सुपर फॉस्फेट को आप 80 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास को 60 ग्राम और यूरिया को 40 ग्राम इस तरह लें और उसमें डालें। ये मात्रा एक पौधे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये तो आपने 25 या 30 दिन का इंटरवल पे डाली, आगे आपको फिर एक महीने का और इंटरवल लेना है, यानी अगस्त के बाद आप बात आती है सेप्टेम्बर की। आप चाहें तो सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में इसमें आप DAP डालें, म्यूरेट ऑफ पोटास डालें, अमोनियम सल्फेट डालें, DAP आप 70 ग्राम डालें, म्यूरेट ऑफ पोटास 70 ग्राम डालें, अमोनियम सल्फेट 40 ग्राम डालें। तो ये मात्रा होगी पौधे के रोपण के 60 दिन और 70 दिन के बाद। अब हम बात करते हैं कि पौधे की जो तीसरा डोजेज है वो कब डालना है। तो करीब करीब 100 दिन, यानी कि आप मान सकते हैं कि 3.5 से 4 महीने जब अगर पौधे को हो जाए, तब आप इसमें तीसरा डोज फर्टिलाइजर का डालेंगे। उसमें सिर्फ आपको दो चीज़ें डालनी है, एक सिंगल सुपर फॉस्फेट जो आपको 100 ग्राम डालना है, यूरिया ये 60 ग्राम डालना है। आप इन मात्रा को उसमें डालिए। उसके बाद हम चौथे डोज की बात करेंगे। ये डोजेस पड़ेगा जब पौधे की एज या उम्र करीब करीब 5 साल की हो गई होगी, यानी सॉरी 5 महीने की हो गई होगी, तो करीब 150 दिन बाद या 5 महीने के बाद, 5 से 6 महीने, आप ये मान लीजिए कि 150 से 170 दिन के बीच में आपने ये वाले फर्टिलाइजर, आपके भी आप 150 दिन पे भी डाल सकते हैं, 55 पे 155 मतलब 155 है, 160, 165, 170 मतलब इस इंटरवल के बीच में आप डाल दीजिए, 20 दिन के इंटरवल में आप डाल दीजिए। इसमें म्यूरेट ऑफ पोटास आपको 100 ग्राम डालना है, यूरिया 50 ग्राम डालना है, अमोनिया आपको डालना है, अमोनियम सल्फेट डालना है आपको 50 ग्राम। तो ये आपने चौथा डोज डाला। आप पांचवा डोज जो है वो आप डालेंगे पौधे की जो है करीब करीब 7 महीने बाद। अभी आपने 5 महीने बाद डाला था, आप 2 महीने का आप गैप देंगे, 7 महीने बाद आप जो है इसको डालेंगे, 7 या 7.5 महीने पर आप डाल सकते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटास डालेंगे सॉरी, और ये आप 100 ग्राम डालेंगे और कोई फर्टिलाइजर ना डालें, उसकी अभी आवश्यकता नहीं। उसके बाद आप ये डालेंगे जो करीब करीब 9वें महीने यानी कि 270 दिन जब हो जाएंगे, तब आपको म्यूरेट ऑफ पोटास 100 ग्राम डाल देना है। तो ये एक चार्ट है, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो नए किसान भाई हैं
वो इसको अच्छे से फॉलो करके डालें, और इसको डालने से आपकी जो पौधे की उपज है वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी। इसको जो फॉस्फेटिक जो खादें होती हैं उसको हमें हमेशा जो है पौधों के चारों तरफ थोड़ी दूरी पर गड्ढे में देना चाहिए। इस तथा इसमें जो है सर्दी के मौसम में 25 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को प्रति एकड़ पर्याप्त नमी में बिखेर देना चाहिए। ये आपको हेल्प कब कर रहा है, जब आपने जो है सर्दी का मौसम है तो इसमें आपको ये विशेषकर अगर आप करते हैं तो ये पौधे के लिए बहुत ही। तो अब मैं इसमें सिंचाई के बारे में बता देता हूँ कि इसकी सिंचाई आप कैसे करें, और सिंचाई करते समय पानी जो है तने को नहीं छूना चाहिए। आप इसका विशेष ध्यान रखें कि सिंचाई करते समय पानी जो है तने को ज़्यादा टच ना करे। इसके लिए तने के चारों तरफ जो है मिट्टी को अच्छे से ऊंची चढ़ा देना चाहिए ताकि तने को ये पानी टच ना करे। गर्मियों में 5 से 7 दिन के अंतराल पर तथा सर्दियों में 10 से 15 दिन के पे, यानी कि अगर जब गर्मियां हैं तो आप विद इन अ वीक यानी एक वीक में आपको पानी दे रही है, 1 से 9 वीक, एक सप्ताह में एक बार। और अगर आप देखें सर्दियां हैं तो आप 10 दिन या 15 दिन या एक मोटा मोटा 2 वीक की बात कर सकते हैं कि 2 वीक में या 10 दिन में आप इसमें पानी दीजिए। और समय समय पर आप ये ध्यान रखें कि जब आपने पानी दिया है तो पानी देने के बाद पौधों के चारों तरफ हल्की हल्की गुड़ाई करके जो उसमें खरपतवार हुआ है, किसी तरह से कोई घास वगैरह उसमें पैदा हो रही है, तो उस खरपतवार को आप जो है नष्ट कर दें। तो आपने ये इस तरह से आप इसमें पानी दीजिए तो आप पानी के लिए आपको इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा कि क्या है कब देना है, इस तरह से आप इसमें पानी दे सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ मैं आपको मुख्य बातें जो हैं वो एक बार बताना चाहता हूँ, वो आप एक बार सुन लीजिए कि जो पौधे के रोपण से करीब करीब जो है 30 दिन तक पौधे के चारों तरफ एक तो मिट्टी आपको कर देनी है ना, जिससे क्या होता है कि पौधा जो है सड़ना या सड़न जैसी चीज़ उसमें नहीं होती। और क्योंकि पौधा ये बहुत ही इस तरह का सॉफ्ट पौधा है जो पानी से इसमें गलन या सड़न हो सकती है, तो इसको जरा आप बचा के रखिए। और सड़न से बचाने के लिए आप इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर जो एक सप्ताह के अंतराल पर छिड़काव भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर किसी तरह का उसमें पानी या किसी तरह से सड़न की संभावना बन रही है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से उसको बचा भी सकते हैं। इस तरह का छिड़काव जरूर बंद से ना भी कर दें अगर आपको पौधे में इस तरह की कुछ भी लक्षण दिखाई दे रहे हों तो। और पौधों को जब पौधों की शुरुआत है और आरंभिक स्टेज है इसमें, तो पौधों की एक अच्छी ग्रोथ के लिए इसमें जो एक NPK 19-19-19, इसमें नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फोरस, तो ये जो मात्रा है इनकी 19-19-19 की जो एक रिकमेंडेड जो फर्टिलाइजर है ये 19-19-19 के नाम से ही आता है, इसको आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालें और 10 से 15 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करें। तो इसका क्या होता है, शुरुआत में अगर ये आप छिड़काव करते हैं पौधों पे तो पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे होने की संभावना इसमें रहती है। तो ये बात आप इसको ध्यान रखें और इससे ज़रूर आप जो है लाभ उठाएं। और कुछ दिन बाद अब मैं आपको इसमें कुछ और बातें बता देता हूँ, जैसे कि पौधे में जो फ्लावरिंग आने का समय है, जो फूल आने का समय है वो 90 से 100 दिन में होता है, यानी 90 से 100 दिन में फूल आने लगता है। तो आपने क्या करना है कि जो पौधे हैं इन पौधों में मेल फीमेल का जो कैलकुलेशन है वो चलता है पॉलिनेशन का। तो आप जो अपने खेत में पौधे लगाए हैं मादा के पौधे ज़्यादा लगते हैं इसमें जो फ्रूटिंग देते हैं, तो इसमें पॉलिनेशन के लिए आपको पपीते के नर पौधे भी लगाने पड़ेंगे। उसमें आप एक रेशियो ले सकते हैं 5 से 7% या 10%, यानी कि 100 पौधे अगर आपने पपाया के फीमेल के लगाए मादा के लगाए हैं तो आप इसमें 5 या 10 पौधे उसके भी लगा दीजिए, नर के लगा दीजिए, बाद में चाहें तो इसको
आप काट के अलग कर दीजिए कि एक बार पॉलिनेशन हो गया उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है, तो आप जो उस समय इसको हटा सकते हैं पॉलिनेशन के बाद। अच्छा, जो मैंने आपको इसमें मिट्टी बताई थी कि इसमें मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसका पीएच के बारे में भी जानकारी देता हूँ और टेम्परेचर के लिए कि इस फसल के लिए भूमि का जो पीएच है वो कितना होना चाहिए। तो ऐसा है कि आप अपने जो खेत की सॉइल है उसका परीक्षण जरूर करवाएं, उससे आपको क्या है कि एक सही आपको सही अनुमान लगेगा कि आपको कितनी फर्टिलाइज़र इसमें डालनी है, कितना खाद डालना है और इसमें क्या पीएच है इसका। तो इसमें आप जब आश्वस्त होंगे तो आपकी खेती के जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो भी उतने ही अच्छे आएंगे। इसका वैसे पीएच जो रिकमेंड करते हैं इसके लिए 6.5 से लेके 7.5, 6.5 से 7.5 के बीच में पीएच मान होना चाहिए मिट्टी का, ठीक है। और इसके लिए जो एक आइडियल टेम्परेचर है वो है 30 से 40 डिग्री। अगर ये टेम्परेचर की रेंज मेंटेन होती है तो इसमें जो है बहुत अच्छी फसल होती है, फसल होने की पूरी संभावना होती है। हालांकि एक अच्छी फसल के लिए बहुत सारे कारक या फैक्टर होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं समय समय पर। जैसे अगर किसी भी चीज़ में अगर आपने ठीक समय पर पानी नहीं दिया, आपने अगर ठीक से फर्टिलाइज़र नहीं डाले, आपने बीमारी की रोकथाम नहीं की ठीक से, तो आपको चाहे आपने आइडियल टेम्परेचर रखा है या पीएच कितना भी ठीक है, लेकिन आपकी फसल को जो है बहुत अच्छी होगी इसकी आप जो है संभावना फिर कम हो जाती है। इसलिए सारे फैक्टर्स जो है उसमें वो आपके आपको ध्यान रखने हैं, आपको हर फैक्टर को अच्छे से ध्यान रख के आगे बढ़ना है। तो ये आपने कर दिया कि आपने इसका देखा टेम्परेचर जो है 30 से 40 के बीच, और जो इसका मिनिमम टेम्परेचर है ये ज़रा ध्यान रखें वैसे कि 10 से कम तापमान वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और जैसे कई भारत में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री पे भी आता है, लेकिन ये कम समय के लिए आता है। अगर ये 2 से 4 दिन या 10 दिन के लिए है तब तो इससे बचाव आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा समय के लिए ये टेम्परेचर इससे कम रहता है तो इसमें संभावना है कि उतना अच्छा फ्रूटिंग नहीं हो और आपको उतनी अच्छी उपज ना मिले। तो ऐसी जगह पे इसको लगाने से बचें, जैसे अपने श्रीनगर या इस तरह के एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर कम चला जाता है और काफ़ी लंबे समय के लिए जाता है, तो उस एरिया में आप इस तरह की फसल को ना लगाएं। तो ये तो आपने देखा कि मैंने आपको कुछ इसके टेम्परेचर और सॉइल के पीएच के बारे में बताया कि कैसा होना चाहिए। अब इसमें कुछ बीमारियों की बात कर लेते हैं। तो जब आप पौधा लगाएंगे और खेती करेंगे तो आपको पता है कि वातावरण में कई तरह के कीट हैं, कई तरह के पैरासाइट हैं, परजीवी हैं, फंगस है, फफूंद है, बैक्टीरिया है, इस तरह के जो एक तरह से कहना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या सूक्ष्म जीव हैं, ये क्या करते हैं, ये खुद के फूड लेने के लिए इस तरह की फसलों पर आने की इनकी संभावना होती है, क्योंकि इनको भी खाना चाहिए, तो ये उस उद्देश्य से ये पौधों पे आते हैं, लेकिन आपके पौधों की ये उपज खराब कर सकते हैं। इसलिए आपको इनकी रोकथाम कैसे करनी है वो आप सुन लीजिए एक बार अच्छे से। अगर आपको जैसे एक बीमारी है कि इसमें जड़ गल जाती है और पौधे का जो स्टेम है, तना है, वो भी गल जाता है, तो इसमें होता क्या है, इसकी इस बीमारी में आप देखेंगे कि जो भूमि से ऊपर जो तना है उसका जो ऊपरी छिलका है वो पीला आपको दिखाई देने लगेगा और पीला होकर वो गलने लगता है। जब भी आपको इस तरह का नोटिस आप करें तो आप समझ जाइए कि इसमें ये जो गलन वाली बीमारी है ये आ रही है। आप जब इसकी जड़ को भी जब देखेंगे, अगर आप इसकी कुरेद की जड़ को देखेंगे तो जड़ भी सड़ने लगती है और पत्तियाँ इसकी सूख जाती हैं, और अगर आपने समय पर इसकी रोकथाम नहीं की तो पौधा मर भी जाता है, मर भी सकता है। तो आपको इसकी रोकथाम करनी है। अगर इस तरह का, जैसे मैंने आपको एक आइडिया पहले भी दिया था, इसके लिए आपको करना वही है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लें आप 2 ग्राम पर लीटर पानी में डाल के, इसको 1 लीटर जल में 2 ग्राम डाल के अच्छे से इसको मिलाइए और 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव कर दीजिए।
तो आप देखेंगे कि इस तरह की बीमारी से पौधे को राहत मिल जाती है और पौधा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। तो इस तरह की बीमारी देखे आपने, बड़ी ही आसान है और मैं पूरी तरह से इसको 2-3 बार अपने सेंटेंसेस को रिपीट कर रहा हूँ, जिससे आप अच्छे से सुन के इसको अप्लाई कर पाएँ अपने खेत पर और एक अच्छी फसल ले पाएँ। इसके बाद हम दूसरी बीमारी पर पड़ेंगे, जिसमें आपने देखा होगा पत्तियाँ जो है मुड़ने लगती हैं, इसको मोज़ेक बीमारी कहते हैं। मोज़ेक है ये, जिसमें आप देखेंगे पत्तियाँ मुड़ने लगी हैं। तो इसकी जो है ख़ास बात क्या है इस बीमारी में, कि पत्तियों का एक तो जो रंग है वो पीला होने लगता है इसका, और इसका डंठल जो है वो छोटा होने लगता है, तथा ये पत्तियाँ जो सिकुड़ जाती हैं, मतलब आप इसमें देखेंगे कि येलो भी हो रही हैं, डंठल इसका छोटा भी हो रहा है और ये सरंग यानी सिकुड़ भी रही है। तो इसकी रोकथाम आपने कैसे करना है, इसमें आपने मेलिथियन 50 EC ये आपने लेना है, 2 ग्राम इसकी, 2 ग्राम ज़्यादा हो जाएगी खैर, 2 ग्राम ना लें, 1 ग्राम प्रति लीटर में डालें इसको, और इसको 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव कर दें। तो आप देखेंगे कि आपकी पत्तियाँ, आपके पौधे की पत्तियाँ फिर से जो है अच्छे से हरी भरी हो गई, स्वस्थ हो गई। तो आगे माइट, एफिड्स तथा फल मक्की, ये मैंने 2-3 नाम लिए। माइट्स बहुत ही सूक्ष्म, बहुत छोटा एक जीव है, लेकिन है बहुत हार्मफुल। ये जहाँ पे भी माइट्स, ये अक्सर टिश्यू कल्चर लैब्स है उनको भी बहुत परेशान करता है, चाहे किसी तरह के जो एग्रीकल्चर से संबंधित कोई क्रॉप है तो उनको ख़राब करने की पूरी सामर्थ्य रखता है ये माइट्स। एफिड्स हैं, ऐसे बाहरी कीट है, और कोई मक्खियां हैं जो फल मक्खी बोलते हैं इस तरह की हैं, तो इनको जो है नियंत्रण करने के लिए आप क्या करें, इसमें एक जो है मेटा, इसमें एक आता है मेथा सिस्टॉक दवा को आप लें, और इसको 1 ग्राम वही आप 1 लीटर जल में डालें और 15 दिन के अंतराल पर इसको छिड़क दें। तो आप ये मेटा सिस्टॉक दवा को ज़रूर इस्तेमाल करें, इसमें आप देखेंगे माइट्स, मक्खी और इस तरह के एफिड्स अगर हैं तो वो दूर हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक पाउडरी मिल्ड्यू करके जो है वो एक बीमारी है, तो उसकी रोकथाम के लिए आपको करना क्या है, आपको सल्फर डस्ट जो है 3 ग्राम लेनी है 1 लीटर पानी में, और 15 से 20 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव कर देना है। तो पाउडरी मिल्ड्यू करके अगर आपको दिखता है इसमें तो वो भी हट जाएगा। उसके बाद एक माहू या रेड स्पाइडर और निमेटोड, ये अगर इस तरह के कुछ भी इंसेक्ट एक तरह से परेशान करते हैं, कीट परेशान करते हैं, निमेटोड हैं, तो इनके नियंत्रण के लिए आप डाईमेथोएट लें तो, और डाईमेथोएट 30 EC आता है, इसको आप 1.5 ml पर लीटर में डालें और उसका छिड़काव करें। उसके छिड़काव करने से इस तरह का जो रेड स्पाइडर है, नेमेटोर है, इन सब पे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बीच में अगर जैसे इसमें केवल आपको एक नेमेटोड ही दिख रहा है और उसमें अगर स्पाइडर नहीं है, नेमेटोड दिख रहा है, तो आपको करना क्या है कि आप इसके कंट्रोल के लिए एक और तरीका है, जिसमें आपको जो खेत है उसके चारों तरफ गेंदे के फूल जो है उनको लगा देना चाहिए, तो उससे भी ये है कि नियंत्रण इसका हो जाता है। गेंदे के फूल अगर आप लगा, गेंदे के पौधे लगाएं जिनके उस वो भी इसके नेमेटोड को रिपेल करता है, यानी दूर रखने में सहायक होता है, तो इसको भी आप जो है उपयोग में ला सकते हैं। अच्छा, 50 से 70 दिन के बाद पौधों पे एक वो स्प्रे करना है आपने, वो आप एक मैकोजेम और मेटालेक्सिल रीडोगिल, ये आप जो है 0.5 ग्राम आपने लेना है मैकोजेम, और मेटालेक्सिल आपने लेना है 0.5 ग्राम, दोनों 0.5 ग्राम की मात्रा है, दोनों को 1 लीटर पानी में डाल दें और 20 दिन के अंतराल पे इसका छिड़काव कर दें। तो ये पौधों के लिए आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि इस तरह का छिड़काव पौधों के लिए ग्रोथ के हिसाब से बहुत अच्छा है,
और इनमें किसी और बीमारी का प्रकोप ना हो तो इसको आप जरूर डाल दें इस पर। ऐसे ही एक कीलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, तो उसकी 5 ग्राम की मात्रा आप 1 लीटर में डालें और इसका भी आप एक बार छिड़काव इस पर जरूर करें। लेकिन इसका ध्यान रखें 50 से 70 दिन का जब पौधा है तभी इस तरह का छिड़काव करें, ये पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही उपयोगी है। अच्छा, जब पौधे 90 से करीब 100 दिन के बीच हों, पौधों की ग्रोथ या पौधों का लगाया हुआ समय जब 90 दिन से ऊपर हो और 120 दिन के उसमें हों, इस समय आप देखेंगे कि इसमें ना वायरस का प्रकोप बहुत बढ़ता है। तो वायरस का प्रकोप अगर बढ़ेगा तो उसको रोकने की जरूरत तो पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि परफेक्ट करके आता है, परफेक्ट 1 ml पर लीटर डाल के इसका छिड़काव कर देंगे। तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि वायरस के आने से पहले ही अगर आप जो है इसका छिड़काव करें तो भी इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन मात्रा जितनी आपको बताई है, अगर 1 ml प्रति लीटर है तो आप 1 ml ही लें। आप किसी भी बीमारी को ऐसे जज ना करें कि आप मात्रा अपनी तरफ से बढ़ा दें, तो जो सजेस्टेड है आप वो, या फिर किसी कोई इस तरह की खेती का जो वैज्ञानिक है या अनुभवी है तो उसके संरक्षण में ये चीज़ें आप स्प्रे करें। और इसके बाद जो है, जो पौधे के 90 दिन के बाद की मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें अगर पौधों के ये तने हैं अगर वो उनमें सड़न आपको दिखाई देती है, ये शुरुआत का केस नहीं है, अब ये समय निकल गया है 3 महीने से ज़्यादा, अगर पौधे के तनों में अगर आपको सड़न दिख रही है तो आप इसमें एक पेवेस्टीन आती है, या तो वेवेस्टीन या कार्बेंडाजाइन कोई भी आप ले लें, इसमें वो 1 ग्राम प्रति लीटर में आपको डाल के छिड़काव कर देना, तो आप देखेंगे कि ये उसमें बहुत ही लाभकर है और पौधे की जो है ग्रोथ के लिए काफ़ी सही है। इसके बाद आप जो है पौधे के तनों पर मिट्टी जरूर चढ़ाएं, और मिट्टी चढ़ाने के बाद पौधे के ऊपर मोनोप्रोटोफॉस, आप अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं, मोनोप्रोटोफॉस कीटनाशक 1.5 ml पर लीटर में डाल के इसके ऊपर छिड़काव कर दें। ठीक है, तो आपने क्या किया है कि आपने 90 से 120 दिन के बीच में आपने पौधे पे एक तो आपने परफेक्ट इसका 1 ml पर लीटर में डाल के वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए इसमें छिड़काव किया है, दूसरा आपने इसके जो तने हैं उसको सड़न से बचाने के लिए वेवेस्टीन या कार्बेंडाजाइन जो है 1 ग्राम प्रति लीटर में डाल के इसका छिड़काव किया है, और तीसरा है इसमें कि पौधे के तनों पर जो है आपने मिट्टी चढ़ाने के बाद उस पर मोनोप्रोटोफॉस जो कीटनाशक है उसको 1.5 ml पर लीटर में डाल के उसका छिड़काव किया है। तो ये भी छिड़काव एक तरह से पौधे में कई तरह की बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। तो आप ये देखें, फिर आपने जब पौधा 140 से 180 दिन के बीच है तब आपने थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि उस समय इसमें जो कीटनाशक हैं वो एक कीटनाशक आप स्प्रे करें, क्योंकि कीटों की संभावना उस समय और बढ़ जाती है इसमें। तो आप एक कीटनाशक आता है एक तारा, इसकी मात्रा आप 3 ग्राम प्रति 15 लीटर में डालें। अब आप इसको देखें कि इसकी मात्रा आपने 3 ग्राम 15 लीटर में डालनी, जो आपके 15-16 लीटर का टैंक होता है स्प्रे का, आप उसमें 3 ग्राम डालें। इसमें आप साथ में और डालें कैल्शियम नाइट्रेट, ये आप 17 ग्राम 15 लीटर के हिसाब से इसमें 70 ग्राम पड़ेगा, ये मिला के इसका एक बार छिड़काव अवश्य कर दें। इसके छिड़काव करने से ये कीटनाशक है तो कोई भी कीट इसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो अब इसमें आप ध्यान रखें कि जो पपीते का जो बगीचा होता है उसमें चूंकि पानी हम 1 वीक और इस तरह देते हैं या 10 दिन में पानी दे रहे हैं तो इसमें खरपतवार होने की संभावना बहुत हो जाती है, तो इसको हमेशा घास को निकालते रहें और खरपतवार को निकालते रहें। और जो पौधे अगर आपको लगता है कि ये पौधे में वायरस आ गया है, आपकी रोकथाम के बावजूद भी कोई पौधा आपको अगर रोगग्रस्त दिखता है तो उस पौधे को भी आप जरूर जो है वहाँ से हटा दें, उसको पूरा जड़ से उखाड़ कर और कहीं ले जाके नष्ट कर दें, या किसी मिट्टी में इसको गड्ढा खोद के इसको दबा दें, क्योंकि वायरस है तो फैले ना, क्योंकि अगर आप ऐसे ही कहीं उखाड़ के उसको डालेंगे तो वो और किसी भी फसल को उसके वायरस नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो इसको आप जरूर नष्ट कर दें।
और नष्ट करने का तरीका यह है कि किसी गड्ढा खोद के उसमें इसको दबा दें। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है 140 से 180 दिन के बीच में। अब आप आ जाइए जब पौधा आपका करीब करीब 7 महीने से 8 महीने का है। 7 से 8 महीने के पौधे में इस समय जो है आप पौधे को देखिए कि इसमें सिंचाई की जो व्यवस्था है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आप पौधे को नमी आप जो है बहुत विशेष ध्यान रखेंगे, इसकी नमी खोनी नहीं चाहिए इस अवस्था में आगे, क्योंकि अब ये आगे फल देने की स्टेज में आ रहा है, तो फ्रूटिंग फ्लावरिंग की स्टेज में आ रहा है, तो अब इसमें देखें आप कि इसमें नमी ना खोए। तो इसके लिए आप इसमें एक तो NPK है जो 0050 है, उसकी जो मात्रा है 2 ग्राम प्रति लीटर, ये आप जो उसमें पानी में, और इसमें कीलेटेड माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं उनकी 0.5 ग्राम पर लीटर की मात्रा इसमें डाल के और छिड़काव कर दें। तो ये आपने, ये केवल इसकी ग्रोथ के लिए सजेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि आपने वैसे तो आप NPK का जो मैंने डोजेस थे आपके नाइट्रोजन फॉस्फोरस और वो सब आपको बताए थे, अमोनियम सल्फेट वगैरह वो सब डाले थे आपने, लेकिन ये साथ साथ में अगर आप जो इतने दिन के अंतराल पर इस तरह ट्रीट करते रहेंगे तो आपकी एक अच्छे फसल होने की पूरा कोर्स है। तो आप इसको विशेष ध्यान से देखिए कि आपने NPK डाल देना है 0050, 2 ग्राम मात्रा लेनी है इसकी 1 लीटर पानी में, और आपको 0.5 ग्राम प्रति लीटर आपकी आपको मात्रा लेनी है कीलेटेड माइक्रोन्यूट्रेंट्स आते हैं वो आप डाल दें, और इस पर छिड़काव करने से पौधे का जो है अच्छे से जो है इसमें डेवलपमेंट होता है। अच्छा, इसके अच्छे विकास के लिए पौधे के लिए आप जो है इसमें देखो, आप जितने न्यूट्रिएंट या जितना वो डालते हैं अगर आप एक सही तरीके से बताए हुए माध्यम से अगर आप डालेंगे तो आपको लाभ इसका ज़रूर मिलेगा आपको, क्योंकि इतने दिन के अंतराल पे जैसे हम लोग भी अपने खाने में कई तरह की डाइट लेते हैं, कई तरह के सप्लीमेंट लेते हैं जिससे हमारा ओवरऑल जो डेवलपमेंट है विकास अच्छा होता है, और वो आपने देखा भी है जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है वो कई लोगों में कई तरह की बीमारियों का एक कारण बनती है। तो आप भी अपने पौधों को जितना अच्छा न्यूट्रिएंट दे सकेंगे उसका रिजल्ट आपको उसके फ्रूट के रूप में मिलेगा। तो इसको मैं बता रहा था कि आप एक अच्छे डेवलपमेंट के या विकास के लिए इसमें ह्यूमिक एसिड भी डाल सकते हैं, और इसको आपने क्या करना है 3 ह्यूमिक एसिड को जो है 3 ml/L के हिसाब से आप इसको मिला के छिड़काव कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये आप करें इसमें तो इसमें जो है पौधे का डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा होगा। अच्छा, इसमें मोनोप्रोटोफॉस जो आपको कीटनाशक मैंने बताया है उसको जरूर इस समय डाल दें, 1.5 ml/L के हिसाब से डाल के छिड़काव कर दें, क्योंकि कीटों की संभावना आए दिन पे पौधों पे बनी रहती है। तो ये आप डाल के इस तरह का जो है काम इसमें जरूर करें। और अब मैं आपको थोड़ा सा ये जानकारी दे देता हूँ कि ये पौधे की उपज कितनी क्या होती है। तो ये पौधे की जो उपज है वो 35 किलोग्राम से लेके 50 किलोग्राम तक एक पौधे की उपज है। हालांकि इसकी एक आइडियल जो या आइडियल या जो एक मिनिमम उत्पादन है वो 30 से 35 केजी लिया जाता है। तो आप इसमें, आप अगर इसमें 30 केजी लेके चलें तो आपको निराशा नहीं होगी। अगर आप 50 लेंगे शुरुआत में और आप पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है ये आपकी एक्सपेक्टेशन पर उतना खरा ना उतरे, क्योंकि जब आप 30 लेंगे अगर आपको 35 भी मिला तो आपको सामान्य से 5 किलोग्राम जब ज़्यादा मिलेगा तो आपके लिए ये बहुत उत्साहवर्धक होगा। तो आप ये देखिए कि एक खेत में करीब करीब जो है इसके पौधे लगाए जाते हैं, 900 के करीब पौधे इसमें लगाए जाते हैं। और इसमें अब मैं थोड़ा लागत की अगर मैं बात करूं कि इसमें लागत कितनी है, क्योंकि फल तो हमने देख लिया कि प्रति पौधा कितना फल आ रहा है, लेकिन लागत कितनी है। तो इसमें लागत की अगर हम बात करें, इसमें करीब करीब जो पौधे की कीमत है वो 18 से 20 हज़ार रुपये पौधे की कीमत आ जाएगी। अगर आपको 20 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से भी मिल जाता है तो आपको करीब 18 से 20 हज़ार रुपये का पौधा की कीमत है इसमें। आपने जो इसमें इंसेक्टीसाइड पेस्टिसाइड जो मैंने समय समय पर इसमें रिकमेंड की है तो अगर उनकी कीमत देखें तो वो भी करीब करीब आपको 4 से 6 हज़ार के, या आप एक एवरेज 5 हज़ार के इसमें ले सकते थे। 5 हज़ार तक का आपका खर्चा इंसेक्टीसाइड पेस्टिसाइड ये खरीदने पर होगा, ये डालने पर होगा। इसके बाद आपकी कॉस्ट लगेगी करीब करीब
10 से लेके 12 हज़ार तक इसमें जो फर्टिलाइजर्स आपने डाले 10 से 12 हज़ार के अंडर में ही ये हो जाएगा, इससे ज़्यादा इसमें फर्टिलाइजर की कीमत नहीं आएगी। इसके बाद इसमें लेबर का खर्चा है तो वो भी करीब 40 से 45 हज़ार तक का खर्चा आएगा, जो आपको लेबर को समय समय पर निराई गुड़ाई या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालने के लिए फ्रूट तोड़ने के लिए ये सब के लिए ज़रूरत होगी। तो इसमें इस तरह का अगर आप खर्चा देखेंगे तो करीब करीब जो है खेत तैयार करने पे आप देखें, जो आपने खेत तैयार किया इसमें आपने कुछ ट्रॉली गोबर की खाद डाली या इस तरह की चीज़ें डाली तो इनका भी लगभग खर्चा कोई लैंड प्रिपरेशन बोलते हैं एक तरह से 8 से 10 हज़ार तक होगा। और देखो ये तो मैंडेटरी खर्चा है, इसमें ये करीब करीब आपका 1 लाख के करीब प्रति एकड़ की अगर हम बात करें तो 1 लाख के करीब आपका खर्चा इसमें हो जाता है। अब इसमें एडिशनल खर्चा क्या है अगर आप करना चाहो तो इसमें एडिशनल आ जाता है कि आप इसकी फेंसिंग कराओ, तो फेंसिंग कराओगे तो 1 एकड़ में आप खर्चा उसका ले सकते हो कि आपका करीब करीब 20 से 25 हज़ार रुपये उसका खर्चा आ गया फेंसिंग का। अगर आप इसमें ड्रिप से न्यूट्रिएंट डालना चाहते हैं, पानी ड्रिप से देना चाहते हैं तो आपका ड्रिप का खर्चा करीब करीब 40 से 50 हज़ार के बीच में आएगा। अब आप केवल केवल पानी देना चाहते हैं तो शायद आपको 30 हज़ार में ड्रिप मिल जाए, लेकिन फर्टिलाइज़र के हिसाब से वो थोड़े और फाइन ड्रिप डाले जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलेट किए जाते हैं वो ठीक से, तो उनकी खर्चा आपको थोड़ा सा और प्लस पड़ेगा और 50 हज़ार तक का खर्चा उनका भी आ सकता है। तो इस तरह ये खर्चा जो है एडिशनल खर्चा है, ये आप चाहें करें या ना करें इनको आप छोड़ भी सकते हैं। तो आपको 1 लाख रुपये का प्रति एकड़ पर खर्चा जरूर आएगा। अब आप इसके उत्पादन को समझ लीजिए, तो उत्पादन में जैसे कि मैंने बोला आप 30 केजी फ्रूट आप मान के चलिए एक पौधे से, और आपके पौधे आपने इसमें लगाए करीब 900, तो आप इसमें देखेंगे 27,000 केजी ये आपको जो है फ्रूट मिलेगा इसमें, ठीक है 27,000 केजी फ्रूट मिलेगा, क्योंकि 30 केजी से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 900 को तो करीब 27 टन या 27,000 केजी फ्रूट है। और अब इसकी बात कर लेते हैं कि मार्केट में अगर मान लीजिए 27 टन हुआ, इसमें से आपको हैंडलिंग करना है, क्योंकि फ्रूट को जैसे आप किसी ट्रॉली में ट्रैक्टर में किसी कार में या किसी आप पिकअप से लेके जा रहे हैं पैकेजिंग कर रहे हैं लेके जा रहे हैं तो उसमें कुछ फ्रूट अगर नुकसान भी होता है तो हम ये मान लेते हैं मान लीजिए 2 टन उसमें फ्रूट ख़राब भी हो जाता है जिसकी कीमत आपको नहीं मिलती। आप इसको 25 टन से लेके आप इसको कैलकुलेट करें, 25 टन के हिसाब से अगर मार्केट में आपको इसका 20 रुपये भी मिल जाता है प्रति केजी, 20 रुपये आराम से मिल जाता है, क्योंकि अगर मैंने मार्केट में जितना मैंने सर्वे किया है तो पपाया की डिमांड अच्छी रहती है और कंज्यूमर को पपाया कभी भी सस्ते रेट पे नहीं मिलता, हमेशा इसका फ्रूट का रेट 40 50 और करीब करीब 60 रुपये का, जो मेट्रो सिटीज है उनमें तो अक्सर 60 रुपये या इससे ऊपर ही इसका रेट रहता है, और छोटी सिटी में हो सकता है इसकी कीमत थोड़ी कम हो, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में ये 60 रुपये से ऊपर कंज्यूमर को दिया जाता है। तो आपको होलसेल का 20 रुपये रेट मिलना स्वाभाविक है, अगर आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे से काम कर पाए तो हो सकता है इससे ऊपर भी आपको इनकम मिल जाए, लेकिन अगर आप 20 रुपये के हिसाब से भी पर केजी के हिसाब से आप सेल करते हैं तो आपको लगभग लगभग इसमें 5 लाख रुपये का फ्रूट पैदा होगा, 5 लाख रुपये का आपने इनकम की, जिसमें से 1 लाख रुपये आपने खर्चा कर दिया इसको क्रॉप इस खेती को करने में, जिसमें मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था पौधे की कीमत लेबर और ये सब खर्चे मिला के, तो आपको 4 लाख रुपये ये चार या और इसको थोड़ा रिड्यूस करके देखो तो आपको 3.5 लाख रुपये आपको अवश्य मिलेंगे। ये जो फसल है ये बहुत ही सही फसल है और इसको आप ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप ये नॉर्मल कन्वेंशनल क्रॉप कर रहे हैं गेहूं ज्वार बाजरा सरसों मक्की इस तरह का कर रहे हैं तो आप उसके उसके मुनाफे को इससे एक बार तुलना करें, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप कोई नई फसल करना चाहते हैं, जो मैंने आपको केले के बारे में बताया स्ट्रॉबेरी के बारे में बताया जो मेरे पुराने वीडियोस हैं जो मैंने पहले डाले हुए हैं उनमें मैंने उनकी जानकारी दी है, तो अगर आप उनकी खेती करना चाहते हैं या पपीते की खेती करना चाहते हैं तो आप पहले कंपेयर कर लीजिए कि आपको 1 एकड़ में क्या उत्पादन मिल रहा है।
अगर आपको उसमें जितनी इनकम मिल रही है उससे आपको इसमें प्लस मिल रही है तो एक ट्राई करना तो बनता है मेरे हिसाब से। और आप अगर बहुत कॉन्फिडेंट ना हो और आप बहुत एक तरह से तैयार ना हो तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, कंसल्टेंसी, जैसे किसी कंपनी से या किसी ऐसे व्यक्ति से जहाँ से आप पौधे ले रहे हैं, कोई इसके पौधे आपको सप्लाई कर रहा है, तो आप पौधे लेने वाले व्यक्ति से पूरे साल के बारे में बात कर लीजिए कि आपको टेक्निकल गाइडेंस इसमें चाहिए होगी और समय समय पर उसकी ज़रूरत होगी, एग्रोनॉमिस्ट की ज़रूरत होगी, जो हो सकता है कोई डिजीज़ आप ठीक से पहचान ना पाएँ तो उसकी ज़रूरत होगी, तो आप उसके साथ जो है इस चीज़ को उनके गाइडेंस में कर सकते हैं, उनके अनुभव के साथ में कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ का इसमें विशेष ध्यान रखें कि जो पौधे हैं, पौधे लेते समय पौधे की गुणवत्ता जो है आप ज़रूर देखें, अच्छा पौधा लें। और कई बार पौधे कई हालांकि इसमें कई तरह की वैरायटीज़ हैं पौधे में, तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि आप जो वैरायटी करना चाहते हैं, जैसे एक ताइवान की है रेड लेडी 786, तो अगर रेड लेडी 786 करना चाहते हैं तो हो सकता है वो पौधा आपको थोड़ा महंगा मिले, या ये जो पूसा नन्ना है या पूसा डेल्कियस है, ये अगर आप करना चाहते हैं तो जो इसकी क्या नाम वैरायटी है वो सुनिश्चित आप कर लें कि वैरायटी आपकी वही है, क्योंकि आपको हो सकता है कुछ सस्ते रेट की वजह से कुछ लोग क्या है अनवेरीफाइड सीड से पौधे बना लेते हैं, जो हो सकता है उस पैकेट पे तो वो वैरायटी लिखी हो लेकिन हकीकत में वैरायटी ना निकले, तो आपको इतने लंबे समय की फसल है तो आपको बिल्कुल भी 2-3 रुपए का रिस्क ना लेके, पर पौधा अगर आपको सकता है कोई 15 में दे रहा हो, आपको 18 में दे रहा हो, आपको कोई 12 रुपए में दे रहा हो, तो आप उस लालच से बचें, क्योंकि शुरुआत में आप उनसे हो सकता है करके 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की जगह आपने 80,000 की कर ले, आप मतलब 1 लाख की जगह आपने आपकी इन्वेस्टमेंट 90,000 की होगी, 10,000 आपने बचा लिए, लेकिन वो 10,000 आपको आगे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पौधा और सीड कोई भी बहुत परख के देख के और पूरी तसल्ली के साथ, इसमें कोई भी जल्दबाजी ना करें, और एक सही जगह से अगर कोई भी आपको पौधे सप्लाई करने वाला ये बोलता है कि उसके पौधे ऑथेंटिक हैं तो आप ज़रूर वेरीफाई कर लीजिए, आप किसी और सोर्स से भी पता कर लीजिए कि क्या जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसके यहाँ से किसी ने और पौधे पहले लगाए हैं और उनके रिजल्ट्स उस तरह के रहे हैं जैसे उन्होंने आगे कमिट किया है। और एक अच्छे संस्थान से जब आप लेते हैं तो वो पूरी तरह से ऑथेंटिक होते हैं, क्योंकि एक संस्थान हमेशा इन चीज़ों की गुणवत्ता को पहले देख के ही अपने कोर्स में शामिल करता है, यानी अपनी फसलों में शामिल करता है। तो ये आप विशेष ध्यान दें उसके लिए। और पौधे का चुनाव अगर ठीक से होगा और पौधे की केयर जैसे मैंने बताई है वैसे आप करेंगे, हालांकि मैंने इसमें सारे इसमें तरीके बताने की कोशिश की, हो सकता है लेकिन मेरे से इसमें कोई चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट में लिख के भी मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने सारे तरीके बताने की इसमें कोशिश की है कि आप जो है उनको अच्छे से फॉलो करें। और क्योंकि सबसे ध्यान देने वाली बात में जो मैं इसकी वैरायटी पे बोल रहा था उसका पर्पज़ ये है कि कोई भी फ्रूट या उत्पादन तभी सेल हो सकता है जब आपका फ्रूट एक सही गुणवत्ता का है। अगर आपने आपको रेड लेडी या पूसा नन्ना या कोई भी इस तरह के वैरायटी की जगह कोई अगर आपको इस तरह की वैरायटी आ गई जिसका आपको नाम भी ठीक से नहीं पता और वो दिखने में भी अलग है तो आपका पूरी मेहनत इसमें बेकार हो सकती है और मार्केट में आपको हो सकता है उसका रेट भी अच्छा ना मिले। तो पहला ध्यान आपने इसकी वैरायटी पे देना है। दूसरा ध्यान आपने कहाँ देना है कि जहाँ से भी आप पौधे लें आप ये सुनिश्चित करें कि पौधा स्वस्थ हो, यानी कि वायरस ना हो उसमें किसी तरह का। कई बार लोग ऐसे जगह पर पौधों को ग्रोथ करते हैं क्योंकि ये पौधे लैब में नहीं बनाए जाते, क्योंकि लैब से ज़्यादा ये पौधे सीड से तैयार होते हैं, तो सीड से तैयार होते हैं तो इन पौधों को कोई भी तैयार कर सकता है। लेकिन कई बार क्या है संस्थान अगर किसी पौधे को तैयार करते हैं, एक पूरी संस्था है, तो वो इसमें कीटनाशक एंटीवायरस इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इनमें स्प्रे करते हैं, इन पर समय समय पर और एंटी माइक्रोब से स्प्रे होते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई रोग ना हो और एक हेल्दी पौधा तैयार कर पाएँ। तो
उसकी विशेष ध्यान दें कि आप पौधा कहाँ से ले रहे हैं और पौधा पूरी तरह से स्वस्थ है। तीसरी चीज़ है कि पौधा पूरा हार्डन होना चाहिए। अगर किसी वजह से अगर कोई आपको पौधे की देने की बात कर रहा है और किसी वजह से पौधे आपको हार्डन नहीं मिले, यानी कि थोड़े इमेच्योर पौधे हैं, तो उनके फील्ड में जाकर मोर्टिलिटी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें ये बहुत संवेदनशील पौधा है, तो इसमें कई तरह की डिजीज़ आने की संभावना होती है, और इमेच्योर है तो ये पौधा हो सकता है सर्वाइव ना करे ठीक से खेत में। तो आपने हार्डन पौधा लेना है, ठीक है। इन तीन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। और एक बात का किसान भाई और इसमें ध्यान रखना है आपने कि चूँकि ये पौधा बहुत ही बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता, अगर मैं इसकी हाइट की भी बात करूँ तो हो सकता है ये वैरायटी वैरायटी पे डिपेंड करता है, लेकिन 2 मीटर से हो सकता है ये 8-9 मीटर की हाइट भी हो सकती है इस पौधे की। तो आप इसमें ज़रा ये ध्यान रखें कि पौधा जो है जब कोई स्टॉर्म आपको लगता है कि आपके यहाँ पर कोई आंधी तूफान आने की भी संभावना रहती है या तेज़ हवाएं चलने की संभावना रहती है, तो आप इसको पौधे को सहारा जरूर दें। जब पौधा ख़ास तौर से करीब 6 महीने का 5 से 6 महीने का पौधा हो जाता है, और जब या फ्रूट लगे हों उसके बाद जब पौधे, चूँकि पौधे पर वेट होता है, तो आप इसको सहारे के लिए इसमें जैसे साथ में स्टिक लगाते हैं कई लोग, आप स्टिक लगाएं या बेम्बू लगा के उसकी रोप बना के और उनसे उसको सहारा दें, जिससे कोई भी इस तरह का स्टॉर्म या तूफान आए तो नुकसान ना करें। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको जितनी मैक्सिमम जानकारी थी मैंने आपको पूरी देने की कोशिश की है, और मुझे पूरी आशा है कि इस जानकारी का लाभ आप जरूर उठाएंगे और एक अच्छे इनकम की तरफ जाएंगे और आपको अच्छी इनकम होगी। तो ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ कि आप जो है इस वीडियो को बार बार देख के और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको आप जरूर नोट कर लीजिए और फिर इस खेती को करिए। और किसी भी तरह का आप पौधे खरीदने के समय या जो भी जो मैंने मुख्य बातें बोली हैं उन पर ध्यान विशेष दीजिए, क्योंकि उनमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ पूरे आपके प्रोजेक्ट को ख़राब कर सकता है। तो आप वो सब चीज़ से बचें और आप इसके लिए जो भी जिनके संरक्षण में आप कर रहे हैं, जिनके गाइडेंस में आप कर रहे हैं, आप उनको समय समय पर इन्वॉल्व करते रहिए। अगर आप किसी संस्थान से और ऐसे किसी प्रतिष्ठित जगह से अगर आप कर रहे हैं तो वो आपको पूरा दिशा निर्देश और टेक्निकल गाइडेंस वहाँ से मिलती रहेगी। तो आप एक अच्छी फसल करिए और लाभ उठाइए, और मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ में है। और इसके बाद मैं आपसे एक नए वीडियो में आगे मिलूंगा, जिसमें मैं कुछ आपको पोटैटो के बारे में, आलू की बीज कैसे बनाते हैं, सीड कैसे तैयार होते हैं, उसकी जानकारी दूंगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और इसको शेयर करिए। हालांकि इसमें कई तरह की खाने बनाने की रेसिपीज़ भी हैं, तो आप उनका भी लुत्फ उठा सकते हैं और अपनी घर की महिलाओं को, अपनी बहन को, अपनी बेटियों को आप इसमें बता सकते हैं कि वो किस तरह खाना, अगर कई तरह की सब्जियां, कई तरह का ब्रेकफास्ट इसमें बताया गया है और वो कुछ इसमें सीखना चाहें तो उनको वीडियो देख के वो सीख सकते हैं और एक अच्छे खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। तो खाने का भी लुत्फ उठाइए और इस तरह की नॉलेज भी आप समय समय पर लेते रहिए। मैं समय समय पर वीडियो डालता रहूँगा और जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक नमस्कार।